हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लैंड लर्निंग सॉल्यूशंस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ का, दैट इज टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। द फर्स्ट वन इज यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। नाउ ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो पॉजिटिव इंटीजर्स के, जिसमें हम देखेंगे कि इनके एप्लीकेशंस कहाँ पे यूज होते हैं। द फर्स्ट वन इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा। हम इसका जो एप्लीकेशन से यूज़ करते हैं एचसीएफ फाइंड करने के लिए कहते हैं। तो अगर आपको पता हो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड अनदर, जो टू पॉजिटिव इंटीजर्स के जो एप्लीकेशंस में यूज़ किए जाते हैं, जो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, हम इसे एप्लीकेशंस में लाते हैं टू फाइंड आउट दी एलसीएम एंड एचसीएफ। ना एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, और एचसीएफ भी हम इसे फाइंड कर सकते हैं। ना ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो किसके प्रॉपर्टीज हैं, इंटीजर्स के। ना इन प्रॉपर्टीज को हम इस अच्छे से डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। नाउ एज पर द लेमा, व्हाट इज मीन्स ऑफ लेमा, लेमा मीन्स सम प्रूवन स्टेटमेंट विच आर यूज फॉर प्रूविंग दी अनदर स्टेटमेंट। यानी कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं जो प्रूव्ड ऑलरेडी हैं और इसका यूज किया जाता है टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। द मीनिंग ऑफ लेमा इज दैट। नाउ ऑब्वियसली है यूक्लिड डिविजन्स एक कहते प्रॉपर्टी है इंटीजर्स की। नाउ ये कैसे वर्क करता है उसके लिए हम देखते हैं कैसे प्रॉपर्टी वर्क करता है। नाउ हम देखते हैं यहाँ पे यूक्लिड डिविजन लेमा। लेमा के बारे में पहले भी हमने डिस्कस किया कि सम प्रूवन स्टेटमेंट है विच आर यूज फॉर दी प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, एंड दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए उन स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं। नाउ इसको समझने के लिए आपको एक चीज देखना पड़ेगा। सपोज आपको दो इंटीजर्स हैं और इंटीजर्स को अगर आप इस वाले सिंबल्स में पुट करें, यानी सपोज आप यहाँ पे पुट करेंगे अगर इंटीजर्स को, तो इसे हम बोलते हैं डिविडेंड, और इस जगह अगर किसी इंटीजर्स को पुट करेंगे तो इसे हम डिवाइजर बोलते हैं। Whenever some integers is divided by something integers, then क्या आपके यहाँ पे quotient आता है, and then after subtracting this dividend, जो भी multiple factors आएंगे वो यहाँ पे लिखने के बाद कुछ remainders बचते हैं। Now here I have taken two integers a and b. One of कोई भी इनमें से कोई divisor है या dividend है, वो condition होगा कि a is greater than b. अगर a greater than b है तो जो सबसे बड़ा greater होगा वो always क्या होगा, dividend होगा, and those which are numbers are smaller in integers वो क्या होगा, divisor होगा। now if I have taken any two integers a and b, उनमें से एक number dividend है और दूसरा number divisor है, no जब भी आप इन्हें divide करेंगे तो कुछ quotient मिलेगा। now इस quotient को मैंने q से denote किया हुआ है, इसे हम q यहाँ से लिख दिए। now after subtracting कुछ रिमाइंडर बचेगा, उसे हमने R से डिमिट किया हुआ है। तो इट मीन्स व्हाट, मैं लिखना चाहूंगा अगर मैंने यहाँ पे सपोज यहाँ पे डिवाइजर को B से डिनोट किया और डिविडेंड को A से डिवाइड किया, बिकॉज A ग्रेटर है, तो मैं लिख सकता हूँ A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस R। एज पर यूक्लिड डिविजन लेमा, अगर दो इंटीजर्स हैं तो इनका एग्जिस्टेंस Q और R के साथ हो सकता है, वो इस तरह से होगा कि A इज इक्वल टू बी डॉट क्यू प्लस R। R रिमाइंडर है और Q टू क्वेश्चन्ट है। A और B क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, बट ये कंडीशन तब तक फुलफिल होगी जब इफ A इज ग्रेटर देन B होगा। नाउ दूसरी कंडीशन इसके लिए सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ऑलवेज जो रिमाइंडर होगा वो इक्वल टू जीरो या ग्रेटर देन जीरो आएगा, और लेस देन बी यानी जो डिवाइजर होगा उससे कम आना चाहिए। नाउ एज पर यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा जो फॉर्मूला होता है वो यही कंडीशन फुलफिल करता है। उसके लिए ऑलवेज ध्यान रखिएगा जो रिमाइंडर की वैल्यू आती है वो रिमाइंडर ऑलवेज जीरो से ज्यादा होगा या जीरो के बराबर होगा या डिवाइजर से कम वैल्यू होगी। नाउ जो भी यूक्लिड डिवीजन लेमा है ये एक प्रॉपर्टीज है दो इंटीजर्स के लिए। नाउ इनका एप्लीकेशन हम क्या यूज करते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो इसका एप्लीकेशन यूज किया जाता है टू फाइंड आउट एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए किया जाता है। बट जब भी हम इसका यूज करेंगे तो इनको हम जो एक एल्गोरिथम बनाया जाता है, यानी स्टेप्स हाउ टू फाइंड आउट द एचसीएफ, उसके लिए हम जनरली हम लिख देते हैं
कि वी कैन फाइंड आउट द एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एल्गोरिथम्स, यानी एल्गोरिथम्स के थ्रू हम इसे सॉल्व करेंगे. नो एल्गोरिथम का जस्ट मींस होता है सर्टन स्टेप्स विच आर यूज टू सॉल्व द सर्टन प्रॉब्लम्स, यानी उस स्टेप्स में कैसे एचसीएफ फाइंड किया जाएगा हम एल्गोरिथम्स में देखेंगे. नाउ एल्गोरिथम देखते हैं. उसके लिए एल्गोरिथम देखने के लिए मैंने सपोज दो इंटीजर कंसिडर किया है ए एंड बी. आपको मैंने पहले ही बताया था दो इंटीजर मैंने कंसिडर किया है, वो भी कैसा पॉजिटिव इंटीजर होगा. देन ए और बी मैंने दो इंटीजर्स मैंने कंसिडर किए हुए. नाउ अगर ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो ऑलवेज जो होगा ए आप किस तरह से यूज करोगे, मैंने बताया था डिविडेंड की तरह आप यूज करोगे, एंड बी जो होगा वो डिवाइजर की तरह यूज होगा. नाउ अगर ये आपने अज्यूम कर लिया है अगर इस तरह का नंबर, तो आप क्या करेंगे, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन ए एंड बी इंटीजर्स के लिए. नाउ एज पर दी यूक्लिड डिवीजन लेमा जो पहला स्टेप है उसमें आप क्या करेंगे, ए को डिवाइड करेंगे, ए को आप डिवाइड करेंगे विद दी बी. नाउ यू विल गेट सम क्यू एंड विल गेट सम रिमाइंडर आर. तो इट मीन्स वॉट, मैं लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. मैं ये कंडीशन डाल सकता हूँ, एंड टू फुलफिल दिस कंडीशन आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्यू क्या है, क्वेश्चंट है, एंड आर क्या है, रिमाइंडर्स है. ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ इसमें ए एंड बी आर द टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड वी हैव फाइंड दैट कि ए इज ग्रेटर देन बी. नाउ ऑब्वियसली अगर मैं ये इक्वेशन पुट करूंगा तो आपको पता होना चाहिए जो आर की वैल्यू होती है यानी रिमाइंडर, वो क्या होगा, जीरो से ग्रेटर होगा या तो बराबर होगा और लेस देन बी, यानी जो भी डिवाइजर आप रखेंगे. ना जब इसे आप इक्वेशन फाइंड करेंगे तो आपको देखेंगे कि आपने कुछ वैल्यू निकल के आएगी. ना उसके बाद आपको स्टेप टू फॉलो करना पड़ेगा. इन स्टेप टू में आपको देखेगा या तो पहला केस होगा केस फर्स्ट, उसमें हो सकता है आपको रिमाइंडर जीरो मिले. व्हेन यू आर गेटिंग दिस रिमाइंडर जीरो आफ्टर डिवाइडिंग द ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, अगर बी से डिवाइड करेंगे ए को तो आपका रिमाइंडर जीरो मिला, देन उस केस में जो भी आपको बी था यानी जो डिवाइजर था वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. यानी केस वन के लिए अगर रिमाइंडर जीरो है देन द डिवाइजर बी बिकम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर किसके लिए होगा, ए एंड बी के लिए होगा, यानी जो इंटीजर्स आपने सेलेक्ट किए हुए. अगर ऐसा केस पॉसिबल नहीं होता यानी रिमाइंडर स्टिल बच जाता है, फिर अगर फर्दर आप यूज करेंगे तो यानी केस टू आपको पॉसिबल होगा, यानी केस टू अगर होता है वेन एवर द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब रिमाइंडर जीरो नहीं होगा तो उस केस में आप फिर यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा. तो उस केस के लिए आप यूज करेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, एंड इन दिस केस यू हैव टू कंसिडर्ड आर एज, यानी जो भी रिमाइंडर है वो आपके क्या होगा, डिवाइजर की तरह वर्क करेगा, एंड जो पहले डिवाइजर था वो आपका किस तरह से वर्क करेगा, डिविडेंड की तरह वर्क करेगा, डिविडेंड की तरह वर्क करेगा. नाउ इस तरह से ये दो केस पॉसिबल होते हैं. नाउ अगर फर्दर आप मूव करेंगे तो आपको फिर दिखेगा कि ये स्टेप्स जो है कंटिन्यूसली चलता जाएगा अनटिल अनलेस आपको रिमाइंडर जीरो मिलेगा. नाउ व्हेनेवर यू विल गेट द रिमाइंडर जीरो, व्हेनेवर यू विल गेट द रिमाइंडर जीरो, तो उस केस में उस स्टेज पर जो भी डिवाइजर था वही क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा. तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ जब भी आपका जिस केस में रिमाइंडर जीरो होगा उस केस में जब भी आपको रिमाइंडर जीरो मिलेगा तो उसी स्टेज पर जो डिवाइजर होगा वो आपका एचसीएफ होगा. तो ये तीन स्टेप में आपको प्रोसेस करना पड़ेगा जब आप यूज करेंगे एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द एचसीएफ. नाउ इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नाउ एक क्वेश्चन देखिए, टू फाइंड आउट द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स फॉर फाइंडिंग आउट एचसीएफ, यानी एचसीएफ फाइंड करना है, और गिवन कंडीशन दिया आपके 196 एंड 38,220. तो आपको यहाँ पे दो इंटीजर्स की वैल्यू दी है, गिवन इंटीजर्स आर दी 196 एंड 38,220. ऑब्वियसली आपको यहाँ पे दिख रहा है द सेकंड जो इंटीजर्स है वो बिगर है एज कम्पेयर विद दी
फर्स्ट वन इट मीन्स वॉट, इट विल एक्ट एज अ डिविडेंड. ये किस तरह से वर्क करेगा, डिविडेंड की तरह वर्क करेगा. एंड द स्मॉलर वन विल बी एक्ट एज अ डिवाइजर, वो डिवाइजर की तरह काम करेगा. नाउ कैसे स्टेप्स फॉलो करना वो यहां पे देखिए. नाउ स्टेप वन में आपको दिख रहा है दैट इज 38,220 इज ग्रेटर देन 196. देन आप यूज क्या करेंगे, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा. इसका यूज करेंगे तो इसके यूज करने के लिए क्या होगा, आपको पहले डिवाइड करना पड़ेगा. नाउ 38,220 को हम डिवाइड करेंगे 196 से. तो चेक करते हैं, ये पहले फर्स्ट थ्री डिजिट्स को लेते हैं, फर्स्ट थ्री डिजिट्स को लेंगे. फर्स्ट थ्री डिजिट को देखते हैं, 196 को टू टाइम्स से पूरा पूरा जाता है कि नहीं. तो यहाँ पे 12 आएगा, 18 एक 19 आ जाएगा, ठीक है. एंड देन कम्स टू 3, यानी 392 आ रहा है, एंड टू टाइम्स नहीं जा पाएगा, ये वन टाइम्स जाएगा. यानी 196 यहाँ पे लिखेंगे तो आपको जो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, 6 आएगा. यहाँ पे आपको 7 बचेगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे आपको यहाँ से 2, यानी यहाँ पे आपको 1 बचेगा, यानी 186 आ जाएगा. ना 186 जो रिमाइंडर है आपका, जो डिवाइजर है उससे छोटा है. मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जितने भी रिमाइंडर्स आएंगे वो आपके डिवाइजर से छोटे होंगे या इक्वल टू 0 होंगे. ना यानी ये छोटे हैं तो एक डिजिट और लेंगे, यानी यहाँ पे 2 यूज़ करेंगे. ऑब्वियसली है 196 को एक बार 9 टाइम्स ट्राई करते हैं, तो 9 टाइम्स अगर ट्राई करेंगे तो ये आपका 54 होगा. 4 यहाँ बचा, 9 9 81, एंड 5 86, 8 यहाँ यहाँ बचा, तो 9 + 8 आपका 17 हुआ, यानी 71764 हम लिख सकते हैं, जो 9 टाइम्स जा रहा है. नाउ यहाँ पे देखेंगे एक बार तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा यहाँ 8 आएगा. देन कम्स टू दी यहाँ पे 5, यानी आपके 9 टाइम्स जाएंगे. देन कम्स टू दी यहाँ पे देन आप कम्स यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे 0 मिलेगा, 98 बनेंगे. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 डिजिट आ गया, यानी आपका रिमाइंडर छोटा है, तो यहाँ पे आपका 0 बच रहा है, 0 मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है. नाउ एक बार ट्राई करते हैं 196 को 5 टाइम्स, 195 को 5 टाइम्स ट्राई करेंगे तो 980 आएगा. 980 आएगा तो हम ये 5 टाइम्स लिख सकते हैं, 980, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो मैं लिख सकता हूँ एज पर द यूक्लिड डिवीजन लेमा दैट 38220 विल बी इक्वल टू दी 196 × 195 प्लस रिमाइंडर इज 0. तो यहाँ पे क्या है, एज पर फर्स्ट स्टेप के थ्रू मुझे यहाँ पे ये इक्लू डिवीजन के थ्रू ये मिला. नाउ एज पर दी स्टेप टू पे अगर आते हैं, तो स्टेप टू में मैंने केस वन पहले भी जिक्र किया था, अगर केस वन में जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, देन उस केस में जो भी आपका डिवाइजर था, यहाँ पे डिवाइजर क्या है, यहाँ पे डिवाइजर आपका 196 है, तो 196 क्या हो जाएगा आपका, 196 आपका HCF हो जाएगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर किसके लिए, आपके इन दोनों नंबर के लिए, यानी 438220 एंड 196. नाउ दिस इज द स्टेप हाउ टू सॉल्व, हाउ टू फाइंड आउट द HCF फॉर टू इंटीजर्स. नाउ एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इसलिए दो स्टेप्स में इजिली फॉलो हो गया. नाउ एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टू फाइंड आउट HCF. नाउ एक और एग्जाम्पल लेते हैं टू फाइंड आउट दी HCF फॉर टू इंटीजर्स. यहाँ पे देखिए, यू हैव टू यूज द यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड टू फाइंड आउट HCF. HCF किसके लिए, दो नंबर दिए, दैट इज 1651 एंड दी 2032. नाउ इस पे गिवन कंडीशन किया है, पहला केस कि यहाँ पे दो इंटीजर दिया है, दैट इज 1651 एंड 2032. पहले इसमें से HCF फाइंड करना है. देन उसे सेकंड यहाँ पे दिया है, दैट इज यू हैव टू फाइंड आउट दी HCF इन द फॉर्म ऑफ 1651 × m एंड 2032 × n. यानी यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m एंड n, m और n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है. तो सबसे पहले HCF फाइंड करते हैं, देन उसके बाद बी पार्ट को सॉल्व करते हैं. नाउ अगर आपको यहाँ पे दो गिवन कंडीशन है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 2032 इज ग्रेटर दैन 1651. तो ऑब्वियसली है 1651 क्या हो जाएगा, डिवाइजर की तरह करेगा, एंड 2032 विल बी एक्ट एज अ डिविडेंड. तो एज पर स्टेप वन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि द 2032 इज ग्रेटर दैन 1651, देन वी कैन यूज द यूक्लिड डिविजन लेमा.
तो यूक्लिड डिवीजन के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसे, तो डिवाइड करने के लिए हम चलते हैं 1651 को डिवाइड करना है 2032 को। तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे दिख रहा है ये वन टाइम्स जाएगा, यानी आपका 1651 आ जाएंगे। नाउ इसे सब्ट्रैक्ट करिए तो यहाँ पे वन आ जाएगा, देन यहाँ पे आपका 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपकी 8, देन कम्स टू यहाँ पे 9, तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे और यहाँ पे 381 बचेंगे। नाउ ऑब्वियसली है जो रिमाइंडर है इज लेस देन 1651, तो मैं यहाँ पे एज पर यूक्लिड डिवीजन लेमा मैं लिख सकता हूँ दैट इज 2032 इज इक्वल टू 1651 इंटू 1, यानी 1 क्या है क्वेश्चंट है, देन कम्स टू द रिमाइंडर 381, ये आपका आ जाएगा। नाउ स्टेप टू में देखते हैं, स्टेप टू में मैंने बताया था जो केस टू था यहाँ पे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे देख रहे हैं रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देन उस केस में जो रिमाइंडर है वो किस तरह से वर्क करेगा, डिवाइजर की तरह वर्क करेगा। एंड मैंने बताया था जो डिवाइजर था वो किस तरह से वर्क करेगा, डिविडेंड की तरह वर्क करेगा। नो ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है जो डिवाइजर है, जो यहाँ पे डिवाइजर था वो क्या था 1651, वो 1651 किस तरह से वर्क करेगा, डिविडेंड की तरह। एंड जो रिमाइंडर यहाँ बच रहा है 381, वो किस तरह से डिवाइजर की तरह वर्क करेगा, यानी फर्दर इसको हम डिवाइड करेंगे 381 को 381 से 1651 को। क्लियर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर, किसके लिए आप यूज कर रहे हैं, फॉर 381 एंड 1651 के लिए। क्लियर, नो यहां पे अगर डिवाइड करेंगे यहां पे, तो यहां पे देखिए कि कितने टाइम्स ये जा रहा है, तो ये आप चेक करेंगे तो यहां पे देखिए एक बार 381 को 4 टाइम्स चेक करते हैं, 4 टाइम्स करेंगे तो 4 32 2 3 12 12 एंड 3 15, यानी ये 4 टाइम्स पूरा जा सकता है। तो 4 टाइम्स अगर यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1524। एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, रिमाइंडर देखते हैं क्या बचता है, रिमाइंडर यहाँ पे देखेंगे 11 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 7 आएगा, देन यहाँ पे 4, तो यहाँ पे आपका 2 बचेगा, देन इट्स कम्स 1, यानी 127 आपका रिमाइंडर बच रहा है। तो एज पर यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर 381 एंड 1651 के लिए मैं लिख सकता हूँ दैट 1651 विल बी इक्वल टू 381 जो डिवाइजर है और जो क्वेश्चन है 4 टाइम्स और इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है 127। ना स्टिल रिमाइंडर आपका बच रहा है तो आप कंटिन्यूसली ये प्रोसेस करते रहेंगे, मैंने पहले भी केस डिस्कस किया था। तो एज पर स्टेप थ्री में देखते हैं, स्टेप थ्री में आपको मैंने पहले बताया था जो 127 है जो रिमाइंडर है अब वो किस तरह से वर्क करेगा, वो डिवाइजर की तरह वर्क करेगा। नाउ यहाँ पे जो 381 था वो क्या था, पहले डिवाइजर था, अभी किस तरह से वर्क करेगा, वो डिविडेंड की तरह वर्क करेगा। नाउ इस केस में रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 है, देन वी हैव टू यूज दी यूक्लिड डिविजन लेमा। तो एज पर डिवीजन लेमा क्या आएगा आपको देखना पड़ेगा, ये डिवीजन लेमा किसके किसके लिए यूज होंगे, इन दोनों ये डिवीजन लेमा किसके लिए यूज होंगे, 127 एंड 381 के लिए यूज होंगे। नाउ दोबारा से मैं डिवाइड करूंगा 381 को 127 से, ठीक है। नाउ इस पर चेक करते हैं, तो ये देखिए आप एक बार 2 टाइम्स ले चेक कर लीजिए, 14 1 5 एंड देन 2, यानी 2 टाइम्स हम यूज कर सकते हैं। अगर 2 टाइम्स अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे 254 आएगा। एक बार सब्ट्रैक्ट करके देखिए रिमाइंडर क्या बच रहा है, यहाँ पे आपका 7 बच रहा है, देन कम्स यहाँ पे आपका 7 है तो आपका 2 बचेगा और यहाँ पे आपका 1 बचेगा, यानी 127, यानी आपके यहाँ पे 3 टाइम्स जा सकता है पूरा, यहाँ पे ये 3 टाइम्स पूरा जा सकता है। तो 127 को हम 3 टाइम्स पूरा करेंगे, 6 3 21 1 2 6 एंड 6 एंड 2 8 एंड ये 3, यानी 381 यहाँ पे कैंसिल आउट आ गया। यानी लास्ट स्टेप में आपका अगर देखे एज पर द यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो मैं लिख सकता हूँ 381 इज इक्वल टू 127 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 0 हो गया। मैंने पहले भी जिक्र किया था जब हम रिमाइंडर 0 जहाँ जिस स्टेज पे आ जाता है उस स्टेज पर जो भी उस समय डिवाइजर होता है वही क्या होता है, एचसीएफ बनता है
जो फाइनली जिस नंबर के लिए आप कैलकुलेट कर रहे थे। तो इट मींस व्हाट, दैट इज 127। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो हो गया है। तो हम लिख सकते हैं, तो रिमाइंडर यहाँ पे जीरो हुआ, तो यहाँ पे एच सी एफ क्या हुआ, एच सी एफ इज 127 फॉर किसके लिए ये बना, ये आपका 1651 एंड 2032 के लिए है। तो इस तरह से हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे टू फाइंड आउट द एच सी एफ। नाउ ऑलवेज ध्यान रखिएगा, जिस केस में या जिस स्टेज पर रिमाइंडर जीरो होगा, उसी स्टेज पर जो डिवाइजर होगा वही क्या होगा, आपका एच सी एफ। क्लियर? नाउ इस क्वेश्चन में हमने पहले एच सी एफ फाइंड कर लिया। एच सी एफ फाइंड करने के लिए, इन दोनों के लिए हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज किया, जहां पे हमें पता चला 127 आपका एच सी एफ था। नाउ इसको सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें फाइंड करना है, दी एच सी एफ इज इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ 1651 m प्लस 2032 n है। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है दी एच सी एफ दैट इज 127 इज इक्वल टू 1651 m प्लस 2032 n है। तो यू हैव टू फाइंड आउट दी, हमें यहाँ फाइंड करना है m n n की वैल्यू। नाउ इस m n n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पहले देखें, तो स्टेप वन में हमें यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू ये इक्वेशन मिला था, जिसे मैंने इक्वेशन वन कंसिडर किया। स्टेप टू के में जब आप देखेंगे, तो एज पर यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू हमें एक इक्वेशन ये मिला था ना। इन स्टेप थ्री में जहाँ पर रिमाइंडर जीरो आ रहा था, वहाँ पर हमें ये इक्वेशन मिल रही थी ना। आपको इसमें कन्वर्ट करना है, इस पोर्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इस कन्वर्ट करने के लिए हमने इक्वेशन वन को कन्वर्ट करते हैं ना। एज पर इक्वेशन वन आपको दिख रहा है, यहाँ पर 2032 भी है और यहाँ पर 2032 है, यानी ये एक काम का नंबर है। और यहाँ पे देखिए दूसरा यहाँ पर नंबर है 1651, यहाँ पे भी 1651 इंटू एम है। तो पहले हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले जिस फॉर्म में हमें पूछा गया है। यानी हम लिख सकते हैं 2032 माइनस 1651 इज इक्वल टू 381। क्लियर? एज पर इक्वेशन वन, यहाँ पे हमने एज इट इज सिर्फ इंटरचेंज किया, यानी 165 को लेफ्ट हैंड साइड में सेंड कर दिया है। नाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एम एंड एन, मुझे इस तरह के इक्वेशंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे 381 को 127 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ अगर ध्यान देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 381, यहाँ पे देखिए 1651 इज इक्वल टू 381 इंटू 4 प्लस 127 है। तो मैं इसमें अगर 381 की वैल्यू यहाँ से मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ, तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 4 यूज़ करना पड़ेगा। यानी सेकेंड इक्वेशन को अगर मुझे यूज़ करना हो, तो मैं अगर मैं इस इक्वेशन पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ और मैं यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आप देखेंगे 2032 इंटू 4 माइनस 1654 इंटू 4 इज इक्वल टू 381 इंटू 4। तो अगर हम इक्वेशन टू यूज़ करें, तो मैं डायरेक्टली इसकी जगह पुट कर सकता हूँ यहाँ पे इसकी वैल्यू। तो मैं देखिए राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू पुट कर रहा हूँ, दैट इज 1651 माइनस 127। क्लियर? मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने इस इक्वेशन को जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से मैंने निकाला था उसमें मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिया है। 4 लाने पर देखिए लेफ्ट राइट हैंड साइड में, तो ये लगभग टर्म इससे मैच कर रहा है। तो इट मीन्स व्हाट, इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली रिप्लेस कर सकता हूँ इस इक्वेशन के थ्रू। मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 1651 माइनस 127 मैंने एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लिया। नाउ यहाँ पे फर्दर मैं लिख ले सकता हूँ इसे 2032 इंटू 4 माइनस 1651 इंटू 4 इज इक्वल टू 1651 इंटू माइनस 127। नाउ इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा कन्वर्जन कर लीजिए, इसको इस तरफ लाइए। यानी आप इस तरफ लाएंगे इसको, तो 2032 इंटू 4 माइनस आ जाएगा, तो 5 इंटू 1651 हो जाएगा और माइनस 127 आ जाएगा। नाउ अगर दोनों साइड माइनस 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको जो फाइनल इक्वेशन मिलेगा, देखेंगे आप लिखेंगे दैट इज 1651 इंटू 5 माइनस 2032 इंटू 4 इज इक्वल टू 127। नाउ स्टिल मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज 2032 इंटू माइनस 4 प्लस 1651 इंटू 5 इज इक्वल टू 127। नाउ आप कंपेयर करिए एज पर दी गिवन कंडीशंस था, जो गिवन कंडीशन से एक बार कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो यहाँ पे m की वैल्यू है
वो m की वैल्यू क्या है यहाँ पे, m की वैल्यू देखिए यहाँ पे देखेंगे तो 5 मिलेगा, और n की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे -4 मिलेगा। क्लियर? तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं अपने HCF को जो इस फॉर्म में गिवन होगा। ये बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, एक बार जरूर ट्राई करिएगा इसके लिए। नाउ इस तरह से हम क्या आते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे टू फाइंड आउट दी HCF एंड सम इक्वेशन इन हाउ टू फाइंड आउट एम एंड एम। नाउ इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू डिस्कस दी सम अदर एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स के थ्रू कुछ अदर भी एप्लीकेशन यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। नाउ हेयर वी हैव टू फाइंड आउट दी पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, दैट इज इट इज इवन इंटीजर्स। नाउ वो इवन इंटीजर्स 2m है, एंड जो ऑड इंटीजर्स है वो 2m प्लस 1 है। ये हमें एक बार चेक करना है कि है होता है या नहीं। नाउ इसे देखिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन, उसके बाद इस पर सोल्यूशन है। तो यहाँ पे देखो शो करना है कि 2m प्लस 1 ऑड होता है, एंड 2m क्या होता है इवन इंटीजर होता है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे गिवन क्या है, मुझे यहाँ पे गिवन ये गिवन है कि आपके पास कोई इंटीजर है, अगर वो 2 से अगर इवन है तो 2m के बराबर होगा, अगर ऑड है तो आपको यहाँ पे 2n प्लस 1 दिखाना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा। तो एज्यूम करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कोई लेट एज्यूम n एज इंटीजर, मैंने एक इंटीजर्स मैंने कंसिडर कर लिया। क्लियर? ना मुझे ऑड और इवन कंसिडर करना है, तो उसके लिए मुझे पता है ऑड इवन को डिफ्रिशिएट करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, अगर उसमें रिमाइंडर 0 बचेगा तो वो इवन है, अगर कोई रिमाइंडर बचेगा तो वो ऑड है। तो इट मीन्स वॉट, हमारा पहले से ही डिवाइजर प्रिपेयर है, यानी हम यहाँ पे डिवाइजर को ले सकते हैं, डिवाइजर एज इक्वल टू 2 हम कंसिडर कर सकते हैं। ना हम यहाँ पे क्वेश्चन को हमने मान लिया कुछ n नंबर को, यानी n इंटीजर्स को डिवाइड करने के बाद 2 आपका क्वेश्चन m बचा, ठीक है, एंड देर इज रिमाइंडर, आपको कुछ रिमाइंडर मिला। मैंने यहाँ पे ये चार चीजें एज्यूम कर ली, यानी एक इंटीजर एज्यूम किया है n, देन यहाँ पे डिवाइजर 2 एज्यूम किया हुआ है, एंड क्वेश्चन m एंड रिमाइंडर 2। नाउ एज पर यूक्लिड डिविजन लेमा, अगर डिवीजन लेमा में देखें तो हम इसे लिख सकते हैं, दैट इज n इज इक्वल टू 2m प्लस r, लिख सकते हैं ना। r की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी, या उसके जो डिवाइजर है उससे छोटी होगी। तो यहाँ पे मैंने डिवाइजर 2 लिया हुआ है, तो यानी जो r की वैल्यू क्या है, 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है, यानी दो ही केस हो सकते हैं। इसके लिए क्या केस है, दो ही केस होते हैं। अगर केस 1 कंसिडर करें, केस 1 व्हेन द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 0, अगर r की वैल्यू 0 होता है तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखेंगे n इज इक्वल टू क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m प्लस r की वैल्यू मैंने 0 कंसिडर किया, तो यानी आपको यहाँ पे 2m प्लस 0 मिलेगा। क्लियर? तो यानी मैं लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू 2m। नाउ ऑब्वियसली है, अगर कोई यहाँ पे इंटीजर है, यानी 2 इंटू एम है, 2 का मल्टीपल है, तो ऑब्वियसली है अगर 2 का मल्टीपल है तो इट मीन्स वॉट, इट्स अ इवन नंबर, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। क्यों पॉजिटिव इंटीजर है, बिकॉज दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2। तो क्या होगा, अगर कोई नंबर है 2m के रूप में होगा या उस फॉर्म में होगा तो वो क्या होगा, इवन इंटीजर्स होगा। नाउ अगर सपोज केस 2 पॉसिबल है, केस 2 अगर कब होगा, जब r की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। जब r की वैल्यू 1 होगी तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे n इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m प्लस 1, ऑब्वियसली है इस कंडीशन के हिसाब से। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिविजिबल बाई 2 प्लस 1, यानी 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो पहले वाले कंडीशन में इवन है, तो अगर रिमाइंडर या कुछ बच जाएगा तो क्या होगा, एज पर गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑड इंटीजर बन जाएगा। क्यों, बिकॉज ट्वाइस ऑफ m, यानी 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1, एंड रिमाइंडर बचना का मतलब क्या हुआ, ये ऑड इंटीजर हो जाएगा। यानी मैंने यहाँ पे शो कर दिया है कि अगर कोई भी यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू कोई इंटीजर है, अगर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो इट मीन्स वॉट, वो नंबर क्या होगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर उसमें रिमाइंडर 1 बचा तो वो कैसा होगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। इस तरह से हम शो कर सकते हैं अपने नंबर्स को। नाउ एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से।
नाउ यहाँ पे यू हैव टू चेक वेदर द 6 टू पावर n इज एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी एन नेचुरल नंबर्स, एक बार चेक करना है. नाउ अगर चेक करने के लिए ऑब्वियसली हमारे पास नंबर गिवन दिया हुआ है, गिवन conditions आपके 6 टू पावर n है और n क्या है आपका नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स. ना आपको पता है जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं दोज आर काउंटिंग बाई स्टार्ट विथ 1, यानी नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं और काउंट करते जाएंगे. नाउ अगर 6 टू पावर n का अगर फैक्टर निकालें तो आपको दिखेगा 6 टू पावर n का फैक्टर है 2 इंटू 3 टू पावर n लिख सकते हैं. नाउ इसको फर्दर अगर देखें तो 2 टू पावर n इंटू 3 टू पावर n लिख सकते हैं. क्लियर. नाउ अगर देखें अगर कोई नंबर 0 है लास्ट में, अगर लास्ट में 0 आ रहा है इट मीन्स वॉट, वो 10 का मल्टीपल है. इफ एनी नंबर हैविंग 0 एट द एंड इट मीन्स दैट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 10, वो 10 का मल्टीपल होगा. अगर 10 का मल्टीपल होगा तो अगर 10 का अगर फैक्टर आप निकाले तो 2 × 5 लिख सकते हैं. क्लियर. तो यानी इसका मतलब है अगर कोई नंबर जो है 10 लास्ट में 0 है इट मीन्स वो मल्टीपल ऑफ 10 है और 10 का जो फैक्टर होता है 2 × 5 आता है. अगर देखे 10 का जो फैक्टर आ रहा है 2 × 5 आ रहा और 6 टू पावर n का फैक्टर क्या आ रहा है 2 और 3 आ रहा, यानी इसके फैक्टर्स में कहीं भी 5 प्रेजेंट नहीं है. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एज पर इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 देर इज नो मैचिंग ऑफ और देर इज नो प्रेजेंस ऑफ 5 इन इक्वेशन 1, दैट्स वाई द 6 टू पावर n नेवर हैविंग एंड विद द 0. ठीक है, तो लिख सकता हूं फ्रॉम ऑन कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड देयर इज नो फैक्टर ऑफ 5 इन इक्वेशन 1, सो द 6 टू पावर n नेवर हैविंग एंड विथ 0. क्लियर, यानी 0 कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पे इस फैक्टर्स में 5 का फैक्टर प्रेजेंट नहीं है. तो इस तरह से ये क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई 220 में, आपका दिस ईयर ही पूछा आ चुका है. तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. नाउ और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. थैंक यू.